बिहार में स्कूलों को खोले जाने में सिर्फ एक हफ्ते बचे हैं। ऐसे में कोविड 19 महामारी को देखते हुए बिहार सरकार मास्क की व्यवस्था करने में जुट गई है। सुरक्षा उपायों के तहत बिहार सरकार 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट को मुफ्त में फेस मास्क बांटेगी। इसके लिए 73 लाख मास्क बांटे जाने हैं। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध डेटा के मुताबिक 9वीं से 12वीं क्लास में 36.61 लाख बच्चे हैं, जिनमें से 3.17 लाख बच्चे सिर्फ पटना में हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को महामारी से सुरक्षा उपायों के एक भाग के तौर पर 2 मास्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के मुताबिक सरकारी स्कूलों में आवश्यक मास्क की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले की कक्षावार नामांकन सूची जारी की है। उनके मुताबिक पिछले एकेडमिक ईयर में एडमिशन के डेटा के आधार पर जो गणना की गई है, उसके अनुसार राज्य के 38 जिलों में कक्षा 9 से 12 तक में 36,61,942 स्टूडेंट नामांकित है। हर स्टूडेंट को 2 फेस मास्क निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारे जिलों के शिक्षा अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक जीविका ग्रुप से फेस मास्क को लेकर इनवॉइस जमा करें। जिला शिक्षा अधिकारियों को हायर और सेकेंडरी स्कूल में 4 जनवरी तक फेस मास्क को बंटवाना होगा। इस बीच प्राइवेट स्कूल थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक चूँकि पिछले 10 महीनों से स्कूल बंद है, इसलिए पानी के टैंक की भी सफाई होनी जरूरी है।